दीक्षा सिर्फ एक प्रवेश करने की प्रक्रिया है, ये एक ऊर्जा प्रक्रिया है। दीक्षा एक ट्रांसमिशन या संचारण है। ट्रांसमिशन के बिना कोई रूपांतरण नहीं होता। उसी दिशा में ये रुद्राक्ष दीक्षा दी जाएगी। ये एक तरह की शुरुआत है जिससे कि आप शिव के परमानंद के आंसुओं में भीग जाए। तो योगिक संस्कृति में साल को इस तरह बांटा गया है, ग्रीष्म संक्रांति से शीतकाल संक्रांति तक साधना पद है, शीतकाल संक्रांति से आगे कैवल्य पद है। This means sadhanapada is time to work upon ourselves. साधना पद खुद पर काम करने का समय है। कैवल्य पद है बोध होना या उस साधन की कृपा प्राप्त करना जो हमने की है। तो ये बोध करने का समय है, ये खिलने का समय है, ये वो समय है जब सूर्य धीरे धीरे एक खास तरीके से आगे बढ़ेगा और एक उच्चतर संभावना की ओर हमारी सहायता करेगा। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के साथ संबंध में जहां सूर्य शीतकाल संक्रांति से ग्रीष्म संक्रांति तक है, वो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जो उत्तरी गोलार्ध में हैं। ये महत्वपूर्ण समय है क्योंकि ये फसल काटने का समय है। भारत में भौतिक रूप से भी ये फसल का समय है जिसे संक्रांति माना जाता है और जिसे तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है। ये वास्तव में फसल काटने के उत्सव हैं। ये किसान का उत्सव है या ये फसल काटने का उत्सव है, ये मुख्य रूप से फसल के बारे में है। एक योगी के लिए भी ये फसल का समय है। जो काम आप अपने भीतर करते हैं, ये उससे आप जो चाहते हैं वो लेने का समय है। क्योंकि फसल सिर्फ एक बार की नहीं है, आपको धीरे धीरे चीजें बटोरनी चाहिए ताकि कुछ समय बाद अगर आप अपनी ओर देखें तो आप पहचान न पाएं कि 5 या 10 साल पहले आप कैसे थे। आपने अपने भीतर इतनी संपदा इकट्ठी कर ली होगी। इन दैट डायरेक्शन दिस रुद्राक्ष दीक्षा विल बी गिवन। उसी दिशा में ये रुद्राक्ष दीक्षा दी जाएगी। तो रुद्राक्ष किसी ऐसी वस्तु के रूप में नहीं दिया जा रहा जो भौतिक है, ये दीक्षा के रूप में दिया गया है या ये एक तरह की शुरुआत है जिससे कि आप शिव के परमानंद के आंसुओं में भीग जाएं। दीक्षा दिशा निर्देशों के किसी पुलिंदे के बारे में नहीं है। दीक्षा कोई शब्दों का समूह नहीं है। दीक्षा सिर्फ एक प्रवेश करने की प्रक्रिया है, ये एक ऊर्जा प्रक्रिया है। तो दीक्षा एक ट्रांसमिशन या संचारण है। ट्रांसमिशन के बिना कोई रूपांतरण नहीं होता। दीक्षा एक सीधा संचारण है, ये उस तरह का होगा और ये हमेशा की तरह प्रभावी होगा।